जो लोग कहते हैं कि जी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि जी आपके हस्बैंड से पूछ दें कि जी हमने, लड़कियां कहती हैं हमने फिट होना है, बॉयज कहते हैं हमने होना है। सो मैंने कहा चलिए मेरे हस्बैंड पास अगर एक टैलेंट है तो वो टैलेंट आप लोग से भी शेयर करते हैं, आप लोग इसका फायदा उठाएं। सो दूसरी बात ये कि अब हम उनको बुलाने वाले अपने शो पे जो गर्ल्स कहती हैं जी हमने हेल्दी होना है, जो बॉयज कहते हैं हमने बॉडी बिल्डर बना है मेरे हस्बैंड के जैसा, और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह, और जो लोग लड़के कहते हैं कि जी हम लोग पतले नहीं हो रहे, जो मोटे उनका पतले उनका प्रॉब्लम है, जो पतले उनको थोड़ा आप कहते हैं कि जब भाई सेहत बने। सो इन सब चीजों से रिलेटेड हम आज वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं अपने हस्बैंड के साथ, और चले हम पहले उनको वेलकम करते हैं, बाकी बातें हम उनके साथ करते हैं। सो वेलकम करते हैं अपने हस्बैंड को, वेलकम बीन पार्ट वेलकम टू माय शो माहिन मूवी। सो आई एम बैठे, शुक्रिया आपका आज आपने मुझे अपने शो में बुलाया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच आपके आने का। सो लोगों को बहुत ज्यादा वेट ये है कि जी की इतनी बॉडी कैसे बनाई है। ओह माय गॉड। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो ये है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन जो है, हम आपसे पूछते हैं कि जो लड़कों का इतने ज्यादा 100+ वेट होता है तो ये कैसे लूज करते हैं और ये पतले कैसे हो सकते हैं? पतले कैसे हो सकते हैं? सिंपल पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि पतले कैसे होना, तो जल्द बाद में जो पतले उनका मोटे का क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, टेंशन ना ले। यार सिंपल फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जो लोग मोटे हैं, जो पतला होना चाहते हैं, सबसे पहले गलती जो वो करते हैं वो है डाइट को मेंटेन ठीक से नहीं करते, खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल 1-2 जो होते हैं मील उस पर आ जाते हैं कि हम कम खाएंगे और तो हमारा वेट कम गेन होगा, ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो ये है। और फिर एक चीज और हमें ये देखना है कि हम खाते क्या हैं। सबसे बड़ी बात आपका मतलब ये है कि डाइट का मतलब है डाइट करने का कि खाना कम करना है? नहीं। अब सबसे पहले हम खाते क्या है, हम देखें सिंपल से एक मिसाल दूंगा मैं। देखें बाइक पे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। अगर तो बाइक पे पेट्रोल सम टाइम कचरे वाला डल जाता तो बाइक खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी भी ना, हमारी जो डाइट है ना वो एक फ्यूल का काम करती है, ठीक है। अगर हम डर्टी डाइट खाएंगे, ठीक है, लाइक फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी कोल्ड ड्रिंक्स और ये मीठा और बेकरी आइटम, लॉट्स ऑफ बेकरी आइटम्स जो हम खाते हैं जंक फूड, वो है एक पोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं पोल्यूशन, वो हम बॉडी में इंटेक करते हैं और हमारी बॉडी का खाना खराब हो जाता है। क्वेश्चन तो ये है ना कि खाना क्या है, चलो ये सब तो फॉलो कर लेंगे, नहीं खाना क्या है? यार खाना क्या है, घर का सबसे बेस्ट जो हेल्दी घर का होता है ना वो खाएं, ठीक है। उसमें आप ऑयल कम रखें, ठीक है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, घी नहीं और ये डालडा घी वगैरह ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करें। बताएं जो ऑलिव ऑयल नहीं भी अफोर्ड कर सकते, ऑलिव ऑयल नहीं भी खा सकते आप, चले वो थोड़ा सा ऑयल कम कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा डाल लें, ठीक है। आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा करें, बॉडी में प्रोटीन इंटेक ज्यादा करें, कैलोरीज, जो हेल्दी लोग हैं ना उनको सबसे ज्यादा मसला होता है कैलोरीज का, वो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर लें, उसी हिसाब से वो इंटेक करें, और जो बॉडी वेट है उनका उसी हिसाब से डबल जो है प्रोटीन उनको इंटेक करनी चाहिए। तो साथ साथ वर्कशॉप भी करें, एक्टिविटी रखें, इंशाल्लाह ताला आप जरूर फिट होंगे। ओके, ये तो हमें पता लग गया कि जी अब आप लोगों के लिए आसानी हो गई है, जो बॉयज हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे आप उनको भी ताकि कमेंट्स करें, जो नहीं आता इंस्टा पे पूछे, तो अब आपको पता लग गया अपना डाइट में क्या खाना है क्या कुछ करना है। सो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, सो अजान हो रही है, मैं आपको जो है हम दोबारा करती हूँ। 2000 years later ये जो क्वेश्चन था हमारा ये तो है फैटी लोगों के लिए। अब जो लोग और जो गर्ल्स बहुत ज्यादा स्किनी है, कहते हैं जी थोड़ी मोड़ी सेहत बनी हेल्दी हूँ हम, सो उनके लिए आपका क्या आइडिया है कि वो क्या करें, ऐसा क्या खाएं जो थोड़ा बहुत वो हेल्दी हो जाए?
उनके लिए थोड़ा सा ऑपोजिट है, वो जरा गुड फैट, हेल्दी फैट और कैलोरीज इंटेक ज्यादा करें, ठीक है? लाइक यार ये गले को क्या हो गया? उनका थोड़ा सा ऑपोजिट काम है, वो खाएं सब कुछ ही, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ में फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और मीठा ये बेकरी आइटम्स खाई जाएं, इससे वो हेल्दी नहीं होगी, इससे वो फैटी हो जाएंगी, जो गंदा फैट होता है बॉडी में। आप ओट्स का इस्तेमाल करें, आप स्मूथी बना के पिए, ठीक है? घर का हेल्दी बना के खाएं, ठीक है? मीट का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला जो लोग स्किनी हैं वो ज़रूर हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, मसल मास। ओके, तो ये थी दो ही क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपने मोटा होना या तो हमने पतला होना है। सो ये दो इन्फॉर्मेटिव पार्ट जो अबे जल्दी बोल, ठीक है? और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि एक डाइटिशियन मॉडल है, फिटनेस मॉडल है, और इन्होंने नेशनल चैंपियन विन किया है, मिस्टर पाकिस्तान विन किया है, और मुझे कसम से बाकी नेम नहीं आते, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन इन्होंने विन किए हैं, जिनकी बेस पर जो है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करा सकते हैं और ये अपने डाइट प्लान शेयर करते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट जो आप पहले अपनी स्टोरी बताए ना कि आप पहले स्किनी थे तो अब आप कितनी बॉडी बनी है, ताकि उन लोगों के लिए। पहले मैं बहुत स्किनी था, मेरा वेट था 72 kg, यानी कि मैं 8 से 10 kg जो है ना अंडर वेट था अपनी हाइट के हिसाब से, मतलब पतले सूखे लंबे जो होते ना वो ये इस तरह से था। ये बॉडी मुझे बिल्ड करते हुए 12 साल हो गया, और मैंने 912 साल मेहनत की है, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, और अगर आपने मेरी फिटनेस जर्नी को देखना है तो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूंगा अपने इंस्टा के आईडी पे, और इंस्टा आईडी मैं आपको अभी मेंशन कर दूंगा, आप आएँ, डाइट के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, एज अ बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन के हवाले से, कोई भी चीज़ कोई भी इन्फो चाहिए हो आपको तो मुझे DM जरूर कीजिएगा। सो इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, और सो आप लोगों के प्यार की वजह से बनाई, आप लोगों कमेंट्स की वजह से बनाई है। दूसरा ये कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ये भी थे कि जी अब हम इनका डाइट प्लान कैसे लें, तो देखें हर बॉडी के हिसाब से उसका डाइट प्लान डिफरेंट होता है, तो जो भी इनका डाइट प्लान लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग डाइट प्लान ले सकते हैं। सो इनको इंस्टा पे DM करें और बहुत सारा प्यार बरसाएं। जो लेडीज जो है जो जिम नहीं जा सकती, जो कहती हैं कि हम एक्सरसाइज घर में कर लें, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी मैं एक एक्सरसाइज वीडियोस बनाऊंगा चैनल के जरिए, जो आप घर बैठ के इजीली आप एक्सरसाइज कर सकती हैं और अपनी फिटनेस बहाल रख सकती हैं। सो अब हम नेक्स्ट आएंगे बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी थी, बाकी इन्फॉर्मेटिव थी आप लोगों के लिए कैसी थी। सो रिव्यू लास्ट में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।